Friends, I hope you all are doing well. Today we are going to learn page number 95, lesson 7, HTML attributes. HTML attributes मतलब क्या है? ये एक heading के जैसे, okay? Some tags have attributes that offer options to the tag. Most attributes work by setting a numerous and descriptive value, okay? हर एक attributes को एक numerous descriptive value है, okay? उसके अंदर कोई हम कोई हेडिंग डालते हैं, वो हेडिंग के अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं. उसका था एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट्स मतलब इन्फॉर्मेशन, ऐसे शॉर्ट में बोल रहे थे इन्फॉर्मेशन. ओके, एट्रीब्यूट्स ऑलवेज गो इनसाइड द ओपनिंग एचटीएमएल टैग एंड इट इज़ ए गुड फॉर टू एनक्लोज एट्रीब्यूट्स वैल्यू इन द कोटेशन मार्क. एट्रीब्यूट्स का बाद में एक वैल्यू आता है, उसको कोटेशन मार्क में डालना है. पहले एट्रीब्यूट्स मतलब मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ये फ्रंट कलर लिखा है ना, फ्रंट कलर, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. फ्रंट कलर एक स्टार्टिंग में लिखा था, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. उसके बाद क्या आता है, वो वैल्यू है, एट्रीब्यूट्स का वैल्यू है, वो कोटेशन मार्क अंदर डाल रखा है. ओके, सो उसके बाद और भी ज़्यादा लिंक है. सो उसके लिए, उस लिंक को फाइंड करने के लिए हम ये पहले वाला फ्रंट कलर को, फॉन्ट कलर को, सॉरी फ्रंट नहीं, फॉन्ट कलर को प्रेस करेगा तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को आ जाएगा, उसका अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन सारे आ जाएगा. सो उसका बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. ओके, एट्रीब्यूट्स जैसे फ्रंट पोर्शन ऑफ द टैग. ओके, फ्रंट पोर्शन ऑफ द टैग नहीं तो ये प्रीवियस फ्रंट पोर्शन ऑफ द टैग, उसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है. ओके, सो वी विल गो टू एंटिटीज. एंटिटीज आर द स्पेशल कैरेक्टर सच एस ए कॉपीराइट सिंबल एंड फ्रैक्शन दैट यू कैन ऐड. में वैसे रीड नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंटिटीज मतलब क्या है? एंटिटीज मतलब हम टैग के अंदर हम सीधे कोई नाम नहीं लिख सकते, कोई वर्ड को सीधे नहीं लिख सकते, उसके लिए कोई सिंबल दे रखा है. ओके, कॉपीराइट सिंबल के लिए, कॉपीराइट के लिए एक सिंबल दे रखा था, उसको तो कैसे लिखना है कॉपीराइट को, कॉपीराइट के लिए इधर तो ए जब कॉपीराइट वर्ड हम टैग के अंदर लिखना तो हम सीधे कॉपीराइट नहीं लिख सकते, हम तो पहले ये एंड का सिंबल डालना है. ये बोल्ड कलर में लिखा है ना, एंड का सिंबल डालना है, उसके बाद कॉपी डालना है, उसके बाद सेमी कॉलन डालना है. इतना डालेगा तो कॉपीराइट का कॉपीराइट वर्ड आ जाएगा, जो उनको रीड करते हैं उनको समझ में आएगा ये कॉपीराइट है. वैसे बहुत सारे सिंबल टैग के अंदर है. फ्रैक्शन के लिए दूसरा सिंबल है. ओके, सो इन द टैग के अंदर हम सिंबल डालते हैं, टैग के अंदर हम वर्ड लिखता नहीं, वर्ड भी लिखता है फिर कई वर्डों के लिए हम सिर्फ सिंबल डालते हैं. इसमें मेरे पास एक कोई फोटोस है, फिर आपको समझ में आएगा ये तो सिंबल है. ओके, ये टैग के अंदर ये सिंबल आता है, टैग के अंदर ये सिंबल आता है, उसके नीचे वर्ड भी है. वर्ड आपको फोटो में मैंने डाउनलोड किया, वो क्लियर नहीं है इसलिए तो वर्ड नहीं लिख रहा है. सो कॉपी टैग के अंदर ये सिंबल डालते हैं, जब वो सिंबल को रीड करते हैं, जो रीड करते हैं ना उनको अपने आप समझ में आएगा ये वर्ड है. ओके, जब इसको ब्राउजिंग में आता है वो अपने आप दिख जाता है ये वर्ड है. ओके, सो दिस सिंबल्स विल पुट इन द एंटिटी, उसको बोलते हैं एंटिटीज. ओके, उसको हम बोलते हैं एंटिटीज. सो नेक्स्ट विल गो अवॉइडिंग सिंटैक्स एरर इन एचटीएमएल. अवॉइड सिंटैक्स एरर इन एचटीएमएल. यू शुड ऑलवेज चेक यूर कोड टू अवॉइड एचटीएमएल एरर. मेक श्योर यूर टैग हैव ब्रैकेट्स, close tag including a slash and attributes value are surrounded by quotation mark. Multiple HTML tags should be properly nested in it makes your closing code should be in the reverse order of the opening tag. For example, इसे एग्जाम्पल भी दे रखा है. ये मतलब क्या था, हम सारे वर्ड को सही डालना है, नहीं तो आपको एरर दिखाएगा, आपको एक ये सही नहीं दिखेगा. मतलब टैग के बारे आगे हम स्लैश डालते हैं. स्लैश आपको पिछले पेज में मैंने बताया था, स्लैश टैग का दो पार्ट है, एक तो कंटेनर टैग है, एक एम्प्टी टैग है. कंटेनर टैग में क्या आता है, स्लैश आता है. वैसे स्लैश डालने में भूल गया तो जिसको एरर दिखाएगा, कोई कोड में कोई गलत हो तो हम कोई कोड डालते हैं, वैल्यूज डालते हैं, उसका अंदर ब्रैकेट डाला नहीं है, नहीं तो कोटेशन मार्क डाला नहीं है, नहीं डाले तो आपको एरर दिखाएगा. उसको एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर. उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर है. ओके, नाउ रेंडिंग एचटीएमएल. रेंडिंग एचटीएमएल, व्हेन ए ब्राउजर डिस्प्ले ए वेब पेज इट रिट्राइव्स ए एचटीएमएल फाइल फ्रॉम दैट पेज फ्रॉम ए लोकल स्टोरेज ऑफ सर्वर.
read the HTML tag to determine how the content should be formatted and display the page. The HTML tag tell the browser what image, rendering HTML. HTML tag, usko lekar hum browsing mein dalega to hame uska ek HTML ke andar kya kya photos hai, kya videos hai, kya likha hai, sare browser mein hum dikh jayega. सीधे हम HTML देखेगा तो आपको सारे सिंबल्स देखेगा, आपको रीड करने की नहीं समझ में आता है. सो हम वो HTML का अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको कॉपी कर वेब पेज में हम डालेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सारे आपको फोटो का जैसे उनके वर्ड सारे आपको दिख जाएगा, उसको अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा. इसका बोलते हैं रेंडरिंग HTML. ओके, सो अदर टेक्स्ट एडिटर मतलब क्या है? HTML डॉक्यूमेंट और प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. सो यू कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिशन प्रोग्राम टू कोड HTML एंड क्रिएट ए वेब पेज. ए टेक्स्ट एडिटर इज़ ए प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू एंटर, चेंज, सेव एंड प्रिंट टेक्स्ट सच एज नोटपैड. टेक्स्ट एडिटर डू नॉट हैव एनी एडवांस फीचर बट दे डू अलाउ द डेवलप HTML डॉक्यूमेंट ईजिली. Microsoft Word comes with Notepad. Apple Mac computer with a text editor. Okay, text editor मतलब उसका अंदर हम क्या लिखा हुआ था, प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ था टैग के अंदर, मतलब HTML के अंदर, उसको हम एडिट करने के लिए वो हम Notepad एक सॉफ्टवेयर है उसका अंदर डालकर हम एडिट कर सकते हैं. सीधे हम एडिट करने के लिए मुश्किल होगा. ये टेक्स्ट एडिटर इज ए प्रोग्राम दैट अलाउ द यूजर टू एंटर, चेंज करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट टेक्स्ट करने के लिए सच एज Notepad, ये उसको हम एडिट करने के लिए इसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर. ओके, कोई भी सेव करने के लिए, एंटर करने के लिए, ये सारे टेक्स्ट एडिटर के साथ हम कर सकते हैं. ओके, अनदर वन इज वेब ब्राउजर ऑफ HTML5. वेब ब्राउजर ऑफ HTML5 के लिए मैंने पहले भी बोला था, HTML5 के कोई वेब ब्राउजर है और ब्राउजर का हम बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजर बोलते हैं, हम क्रोम बोलते हैं, हम फायरफॉक्स बोलते हैं, ओपेरा बोलते हैं, एप्पल सफारी, ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर है उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर HTML5 है. पहले ऐसे नहीं था, पहले सिर्फ मतलब इंटरनेट ब्राउजर में, इंटरनेट एक्सप्लोर में था, सारे हम सर्च कर सकता था. अभी तो HTML5 आने के बाद हम इस बहुत सारे ब्राउजर आ गया, उसके अंदर हम सर्च करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट का वो ये रिकग्नाइज करता है. जब HTML और किसी में हम HTML डॉक्यूमेंट्स को, HTML कंटेंट को डालेंगे तो वो रिकग्नाइज नहीं करेगा, सिर्फ इसी वेब ब्राउजर ने उसको रिकग्नाइज करेगा. ओके, अनदर वन इज व्यूइंग HTML कोड इन ए ब्राउजर. ब्राउजर के अंदर HTML कोड को कैसे हम व्यू कर सकते हैं? ओके, हम जो एक 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 वेब पेज हम यूज़ करते हैं, खोलते हैं याहू में नहीं तो गूगल में एक वेब पेज खोलते हैं, उसका HTML कंटेंट को हम कैसे, कोड को कैसे हम देख सकते हैं? ओके, वो वेब पेज का HTML कोड कैसे देख सकते हैं? ओके, यू कैन व्यू द HTML कोड यूज्ड टू क्रिएट ए वेब पेज ऑफ योर चॉइस. व्यूइंग HTML फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट से आप HTML को देख सकते हैं. कैसे था? स्टार्ट ए वेब पेज, उसके बाद आप सेकेंड वन देखो, ओपन द वेब पेज व्हेन यू वांट टू व्यू द HTML कोड. कौन सा पेज को HTML कोड देखना है उस वेब पेज को खोल दो. प्रेस द ऑल्ट, आपको आपका कीबोर्ड में ऑल्ट को प्रेस करना है. वो जो एक मेनू बार आएगा, उस मेनू बार में आप फोर्थ वन क्लिक ऑन व्यू मेनू को प्रेस करना है. जब मेनू बार के अंदर व्यू मेनू को प्रेस करना है, उसके बाद सोर्स को प्रेस करना है. जब सोर्स को प्रेस करेगा तो आपको मिल जाएगा उसका कोड, मतलब HTML कोड. आपको उस वेब पेज का HTML कोड आप देख सकते हैं. ओके, आफ्टर यू हैव व्यूड द HTML कोड, क्लिक ऑन एक्स एंड क्लोज द विंडो. आप एक्स प्रेस कर विंडो को क्लोज करना है, नहीं तो आप कोई चेंजेस हो जाता है. इसको एक्स से प्रेस कर विंडो को क्लोज करना है. सो दिस इज पेज नंबर, सॉरी लेसन 7. सो लेसन 7 वी हैव फिनिश्ड. सो आई विल पुट द क्वेश्चन आंसर बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर इन द iGuru app. Otherwise, I thought I already sent to your WhatsApp number. Even though I will put in iGuru also, so you can check and study lesson 6 and 7. Okay, from next class you will start lesson 8, HTML creating web page. Okay, thank you. Have a nice day.